सिद्धार्थ समय के हाथों को पर काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे कसीनो देखने ले जाए। तापसी समय को देख मासूम सी आवाज में पूछा, क्या मैं भी वहां आ सकती हूँ? समय के कानों में जैसे ही तापसी की आवाज गई, उसकी नजरें अपने आप तापसी की हेजल नजरों से जा मिली। तापसी इस वक्त अपनी हेजल आंखों से समय को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी जो उसे बाकी लड़की उसे अलग बना रही थी। समय तापसी की मासूमियत को देखना नहीं कर पाया। उसने हां में सर हिलाया। समय की हां मिलते ही सबके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई। सिद्धार्थ इतना खुश हो गया कि वो समय के गले से लग गया। तापसी के चेहरे पे भी प्यारी सी स्माइल बिखेर गई। समय सबको लेके होटल के लेफ्ट साइड बने कसीनो की ओर चला गया। होटल दो भागों में बनाया गया था। एक साइड कमरे हॉल पार्टी हॉल बने हुए थे और दूसरी साइड कसीनो, उसके नीचे अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल। कसीनो के लिए समय ने होटल को सबसे यूनिक तरीके से बनवाया था, जिसे लोगों का ध्यान सबसे पहले उस पर पड़े। अमेरिका का नंबर वन होटल में से एक कसीनो किंग एसएम का है। एसएम एक नाम नहीं, खौफ है लोगों के दिल दिमाग में। इस नाम को सुन डर के अलावा कोई फीलिंग नहीं आती। समय ने होटल की डिजाइन से लेके अंदर का इंटीरियर काफी यूनिक रखा है। हर एक चीज इटली जापान न्यूक से मंगवाई हुई है। समय ने जैसे ही कसीनो में कदम रखा, वहां खेलने वाले सारे लोग खड़े हो गए। वहां मौजूद कसीनो में काम करने वालों से लेके वहां के गार्ड्स अपने हाथ पीछे कर सिर झुका लिया। जैसे वो लोग अपने बॉस को ग्रीट कर रहे हो। जितने भी लोग वहां खड़े थे, सबके सब समय से डरते हैं। सबके दिल दिमाग में समय के नाम से खौफ है। राघव उसकी लेफ्ट साइड चल रहा था। उस दूसरे साइड सिद्धार्थ मयंक थे, पीछे तापसी मोनिका। तापसी कसीनो को देखते ही हैरान रह गई। उसने आज से पहले ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। समय अंदर आते हुए अपनी रोबदार आवाज में बोला, गेम कंटिन्यू रखो। समय की आवाज सुनते ही सब फिर से खेलने बैठ गए। कसीनो मतलब जुआ। यहाँ हर तरह के खेल थे जिसे पैसे लगा के खेले जा रहे हैं। कुछ लोग जीत रहे थे तो कुछ हार। कहीं पर कार्ड से तीन पट्टी खेली जा रही थी तो कहीं पोकर। कुछ मशीनों पर बॉल घुमा के नंबर पर पैसे लगाए जा रहे थे, जिसे लोग अलग अलग नाम से बुला रहे थे। कुछ लोग लक ऑफ नंबर बोल रहे थे तो कुछ गुड ऑफ लक। इसका रियल नेम रूलेट है। उसके अलावा भी कई गेम खेले जा रहे थे, जैसे ब्लैक जैक, बैकरा, रमी। वहां पर कुछ लड़कियां डांसम भी कर रही थी। वहां पे एक स्लो म्यूजिक चल रहा था। कसीनो काफी बड़ा था। यहां पर वीआईपी एरिया भी बनाया हुआ था। सिद्धार्थ रूलेट को देख खुश होके समय से बोला, ब्रो क्या मैं भी एक बार रूलेट खेल सकता हूँ? प्लीज ओनली वन टाइम। सिद्धार्थ की बात सुन समय एक नजर रूलेट गेम की ओर देखा में सर हिला दिया। समय की हां मिलते ही सिद्धार्थ राघव का हाथ मयंक को खींच के रूलेट टेबल पर ले गया। समय अपने छोटे भाई की हरकत देख कुछ नहीं कहा। मोनिका को भी रूलेट खेलना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो समय के थोड़ा पास जाके बोली, माँ मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं आपको कल तक लौटा दूंगी प्लीज। मोनिका की बात सुन समय एक नजर उसे देख बोला, जाके राघव से बोलो। मोनिका समय की बात पर उसे थैंक यू बोल तुरंत राघव सिद्धार्थ मयंक के पास आ गई। तापसी समय से चार कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी। समय बिना पीछे मुड़े अपनी जेब से सिगरेट निकाल उसे जला के बोला, तुम्हें नहीं खेलना। समय की आवाज सुन तापसी अपनी मासूम सी आवाज में बोली, माँ मुझे नहीं आता और मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है। अगर मैंने अपनी पागल दोस्त की तरह आपसे पैसे लिए भी तो हार जाओगी और फिर आपको कैसे वापिस दूंगी? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। समय उसकी क्यूट सी बात सुन अपना सिर घुमा के उसे देखते हुए कहा, चलो। तापसी आंखें टिमटिमा के कहा। गेम खेलने समय ने रोबदार आवाज में कहा। तापसी उसके पीछे जाते हुए बोली, लेकिन मुझे तो नहीं आता, आप मेरे कारण हार जाओगे। समय ने जैसे ही सुना वो लड़की धर समय मल्होत्रा को हारने की बात बोल रही है, जिसकी डिक्शनरी में हार जैसा कोया वध नहीं था। उसे ये मासूम लड़की हार जाने का डर दिखा रही है।
उसके कदम चलते चलते रुक गए। उसने पीछे मुड़ तापसी को देखा जो उसे दो कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी। उसकी छोटी छोटी हेजल आंखें समय को ही देख रही थी। समय उसका हाथ पकड़ उसे खींच के रुलेट टेबल पर लेके आ गया। सिद्धार्थ, मयंक, मोनिका ने अलग अलग नंबर पर पैसे लगाए हुए थे। टेबल पर खड़ी लड़की समय को वह देख अपने बाल पीछे कर स्माइल करने लगी। उसने काफी छोटी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें से उसका आधा से ज्यादा बदन दिख रहा था, जिसे दिखा के वो समय की नजरें खुद पर लाने की कोशिश करने लगी। राघव ने जैसे ही समय को वहां देखा उसने अपने आदमी को इशारा कर एक टोली में कॉइन्स लाके समय के सामने रख दिए। वैसे एक बात बताना भूल गई, कसिनो में पैसे मतलब कॉइन्स वहां खेलने आने वाले लोग केस देखे उनसे प्लास्टिक के कॉइन्स दिए जाते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, सब कलर के उतने पैसे तय होते हैं। चलो फिर से कहानी को आगे बढ़ाए। समय ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। उसने तापसी का हाथ पकड़ उसे टेबल के पास लाके बोला, बच्ची कोई भी नंबर पर जीतने चाहे उतने पैसे लगाओ। सिद्धार्थ समय को भी खेल में शामिल होते देख बोला, ब्रो आप भी खेलोगे तो मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहोगे? समय उसकी शर्त वाली बात सुन उसे घूर के बोला, कैसी शर्त? सिद्धार्थ शयानी स्माइल कर बोला, ब्रो अगर मैं जीता तो मैं जो मांगू आप मुझे दोगे, अगर आप जीते तो आप जो मांगोगे मैं दूंगा, तो बोलो लगाओगे शर्त? समय उसकी बात सुन तापसी को देख बोला, तो क्या बोलती हो बच्ची, लगा लू शर्त? तापसी इस वक्त इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो अपना सर दाए बाए हिला के ना में इशारा करने लगी। समय उसके इशारे को देख शयानी स्माइल देखे बोला, शत मंजूर है छोटे। समय सिद्धार्थ को देख मोनिका मयंक ने पैसे वापिस खींच लिए। सिद्धार्थ तापसी का हाथ पकड़ अपने पास खींच के बोला, मेरी जान तुम भाई के पास क्या कर रही हो? तुम मेरी होने वाली मंगेतर हो, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। समय सिद्धार्थ की बात सुन कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने तापसी की ओर देख स्माइल कर पूछा, बच्ची नंबर बोलो। तापसी को समय के वार्निंग अच्छे याद थी इसलिए उसने बिना देरी किए एक नंबर बोल दिया। एक समय अपने सामने रखे सारे पैसे नंबर एट पर लगा दिए। सिद्धार्थ ने नंबर वन पर अपने सारे पैसे लगा दिए। लड़की ने रूलेट को बिताना शुरू किया। वहां मौजूद सबकी नजरें समय सिद्धार्थ पर टिकी हुई थी। वो सब अपनी अपनी गेम छोड़ रूलेट के पास आ गए। सब टेबल पर बॉल को घूमते देख रहे थे। सबकी आंखें उस छोटे से बॉल पर टिकी हुई थी, लेकिन समय की आंखें तापसी की नजरों पर थी जो एक तक बॉल को देख रही थी। उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख समय के चेहरे पे इवल स्माइल आ गई। कुछ ही पल में बॉल घूमते घूमते नंबर एक को छोड़ सीधा जाके नंबर एट पर रुकी। बॉल रुकते ही पूरी कसिनो में एक लड़की की खुशी के मारे चिक सुना देने लगी। उसके अलावा सभी लोगों चुप थे। ये लड़की और कोई नहीं तापसी थी जो खुशी से उछल रही थी और बोल रही थी, यप यप यप, मैं जीत गई, मैं जीत गई। सिद्धार्थ उसे बुरी तरह घूने लगा। तापसी खरी तो सिद्धार्थ के साथ थी लेकिन वो खुश समय की जीत हो रही थी। समय उसके चेहरे पे स्माइल देख तेरी स्माइल कर दी। सिद्धार्थ बुरा सा मुंह बना के बोला, यार कैसी गर्लफ्रेंड हो, यहाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड हार गया और तुम खुश हो रही हो? तापसी उसकी बात पर खुश होके बोली, अरे वाह यार, हारे तुम हो और मुझे बुरा बोल रहे हो, मैंने थोड़ी तुम्हें हराया है, मैंने तो नंबर भी नहीं बताया। तुमने अपनी मर्जी से नंबर लगाया था इसलिए मेरा नाम मत लो। समय सिद्धार्थ को देख बोला, छोटे बच्ची सही बोल रही है, नंबर तुमने पसंद किया था, गलती बच्ची की नहीं तुम्हारी है, छोटे शत तो याद है। सिद्धार्थ अपने बालों में हाथ फेर के उदास सा चेहरा बना के बोला, क्या ब्रो, यहाँ में इतने सारे पैसे हार गया जो मुझे आपको देने हैं और आपको अभी भी कुछ चाहिए, थोड़ी तो दया करो बच्चे पर, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ। सिद्धार्थ फुल इमोशनल ड्रामा कर समय को पिघलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन समय भी कहा कम है, उसे अपने भाई की हरकतों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। समय उसकी नौटंकी देख बोला, शत मैंने नहीं तुमने लगाई थी, और एसएम अपनी जीती हुई चीज कभी नहीं छोड़ता चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।
सिद्धार्थ उसकी बात पर मुंह बना के बोला, हाँ हाँ ठीक है ब्रो, मैं भी आपका ही भाई हूँ, जबान दी है पीछे नहीं। हतुगा बोलिए, क्या चाहिए आपको, मैं देने को तैयार हूँ। समय तापसी। सिद्धार्थ के साथ तापसी, मोनिका, राघव, मयंक, वहां मौजूद सारे लोग सोकत हो गए। सिद्धार्थ को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने दोबारा पूछा, ब्रो आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। समय बिना एक्ट्रेसन, मुझे तापसी चाहिए। अपने भाई की बात सुन सिद्धार्थ के चेहरे का सारा रंग की उड़ गया, वही सेम हाल तापसी का था, वो स्टेचू की तरह एक जगह पर जमसी गई। समय सिद्धार्थ तापसी के पास कदम बढ़ा के तापसी को एक झटके में अपने करीब खींच लिया। तापसी सीधा उसके सीने से जा लगी। सिद्धार्थ अभी भी सदमे में था, उसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो बस एक तक समय को देख रहा था। समय तापसी के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर बोला, आज से तुम मेरी हुई। राघव सगाई कैंसल। सिद्धार्थ ने जैसे ही की उसकी लास्ट बात सुनी, वो सोकत से बाहर आके समय की बाहों में से तापसी को खींच के अपनी पीछे कर गुस्से में बोला, ब्रो ये क्या बोल रहे हो, ये कोई चीज नहीं है जो आप मांगोगे और मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा प्यार है, मेरा जुनून है, आप कुछ और मांग लो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे प्यार को नहीं। आपको तापसी पसंद आ गई, उसमें मेरी क्या गलती है, वो मेरा प्यार है आपका नहीं। समय सिद्धार्थ की लास्ट लाइन सुन जोर जोर से हंसने लगा, उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरे कसीनो में डर का मातम छा गया। तापसी मोनिका के सीने से लगी हुई रो रही थी। सिद्धार्थ समय की हंसी को देख खुद भी डरा हुआ था, उसका भाई कितना डेंजरस है उसे अच्छे से पता है। राघव बात को संभालने के लिए आगे आके समय से बोला, बोसिए। राघव आगे कुछ बोल पाता, उसे पहले समय की लाल आंखें देख उसकी बात अधूरी रह गई। समय सर तेरा कर सिद्धार्थ के पीछे खड़ी तापसी को देखा, जो मोनिका से लिपट के रो रही थी। उस वक्त तापसी के कानों में समय की आवाज आई, जो उसे बुला रहा था, बच्ची यहाँ आओ। समय की बात सुन सिद्धार्थ को और गुस्सा आया, उसने समय के आगे खड़े होके बोला, ब्रो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, वो मेरी होने वाली मंगेतर है, वो मुझसे प्यार करती है, आपसे नहीं। आप सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता, उसे पहले समय की फिर से आवाज आई। समय अपनी लाल नजरों से तापसी को देखते हुए कहा, लिटल गर्ल तुम मेरी बात को फिर से इग्नोर करने की गलती कर रही हो। तापसी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसके हाथ पैर दर से कांपने लगे, उसे ट्रायल रूम की सारी बात याद आ गई। वो मोनिका से अलग होके धीरे धीरे चल समय के पास चली गई। सिद्धार्थ ये देख हैरान हो गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तापसी समय की बात बिना कुछ बोले सुन रही थी। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कर पाता, उसे पहले समय की फिर से आवाज आई। समय अपनी लाल नजरों से तापसी को देखते हुए कहा, लिटल गर्ल तुम मेरी बात को फिर से इग्नोर करने की गलती कर रही हो। तापसी ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसके हाथ पैर दर से कांपने लगे, उसे ट्रायल रूम की सारी बात याद आ गई। वो मोनिका से अलग होके धीरे धीरे चल समय के पास चली गई। सिद्धार्थ ये देख हैरान हो गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी तापसी समय की बात बिना कुछ बोले सुन रही थी। समय तापसी को वापिस अपने करीब खींच उसे सीने से लगा लिया। तापसी इस बार बिल्कुल भी हिली नहीं, उसे सबसे ज्यादा समय से डर लग रहा था, फिर भी वो समय की बाहों में थी। समय तापसी की कमर पकड़ उसके बालों से खेलते हुए सिद्धार्थ को देख बोला, छोटे हर चीज की एक कीमत होती है, तूने खुद बोला था मैं जीता तो तू मुझे मेरी पसंद की चीज देगा, तो फिर मैंने अपनी पसंद की चीज ले ली। छोटे आज मेरी एक बात अच्छे से याद कर लो, किसी भी खेल में शत मत लगाना, वरना हमेशा अपनी कीमत चीज खोते रहोगे। तूने एक और बात बोली थी, क्या थी वो बात, वह हा प्यार, तूने सही कहा, मैं इसे प्यार नहीं करता और ना ही मेरे अंदर दिल प्यार जैसी कोई चीज है, मैंने इसे पहली बार छुआ सो ये मेरी हुई। समय इतना बोल तापसी को लेके जाने लगा। सिद्धार्थ उसे रोकने के लिए जैसे ही पीछे भागा, समय तेज आवाज में, राघव राघव आवाज सुन सिद्धार्थ को रोक लिया। सिद्धार्थ चिल्लाता रहा, खुद को छुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन राघव और समय के आदमी उन्हें उसे पकड़ रखा
मयंक राघव समय के आदमी से लड़ने की बजाय सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश करने लगा। मयंक सिद्धार्थ को पीछे से पकड़, मेरी बात सुन सिद्धार्थ, छोरो राघव भाई, मुझे मेरी तापसी को बचाना है। राघव सिद्ध, प्लीज मेरी बात सुन, इस वक्त गुस्से से नहीं शांत होके काम लेना होगा। तू अपने ब्रो को अच्छे से जानता है। समय की कार काफी तेज चल रही थी। तापसी समय के डर से खिड़की से चिपक के बेदी हुई रो रही थी। समय आंखें बंद कर अपने हाथों को गर्दन के पीछे रख बैठा हुआ था। ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे हुआ आदमी बोला, बोस कहा जाना है। समय बिना आंखें खोले ब्लैक हेल। तापसी रोते हुए धीरे से बोली, माँ मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। समय ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आंखें खोल तापसी के बालों को पकड़ खींच के गुस्से में बोला, बच्ची मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आज से तुम वहीं रहोगी जहां मैं रहूंगा, तुम्हारा घर मेरी कैद और तुम्हारा मालिक भी आज मैं हूँ, समझी। समय की आवाज सुन तापसी और डर गई। उसकी आंखों से पानी तरह आंसू निकलने लगे, उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। इस वक्त वो समय से इस कदर डरी हुई थी कि उसकी जुबान तक उसका साथ नहीं दे रही थी। समय को उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे छोड़। समय आगे बैठे आदमी को बोला, काम पूरा हुआ? आदमी जी, बोस सारा माल अपनी जगह पहुंच चुका है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। समय, कैसी प्रॉब्लम? आदमी का नाम अफान है, समय के खास आदमी में से एक। अफान, बोस माल और उस लड़की के मदर के बारे में आपके डेड को पता चल गया। समय उसकी बात सुन इवल स्माइल कर, डेड डेड डेड, आप फिर से मुझे रोकने की कोशिश करोगे और हर बार की तरह इस बार भी हारोगे। अफान, बोस ये सर हर बार आपसे हारते हैं, फिर भी आपको रोकने की कोशिश क्यों करते हैं, आपका साथ नहीं दे सकते। समय शयानी स्माइल कर एक हाथ अपने बालों में फिरा के बोला, साथ वत कितना छोटा है ना, लेकिन मतलब उतना की बेकार, आज के टाइम पे अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है तो फिर अपनों से क्या उम्मीद करना, लोगों सिर्फ पैसे पावर के साथ खड़े होते हैं। अफान ये दुनिया बड़ी लालची है, यहाँ वही लोग राज करते हैं जिसके पास पावर पैसा और सबसे जरूरी चीज लोगों के दिल में डर हो। अपने काम का उसूल ही है, डर लोग के दिल में अपने नाम का डर इस कदर बिठा दो कि सामने वाला अपने आप सर झुका। ये एसएम कसीनो का बेताज बादशाह है, यहाँ चलता वही है जो एसएम चाहे। इतना बोल समय हंसने लगा। समय के साथ अफान के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ गई। ये सारी बात सुन तापसी समय से और डरने लगी। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त सिर्फ डर था, उसके साथ आगे क्या होगा, वो कैसे अपने घर जाएगी, उसके माँ बाबा भाई बहन को पता चलेगा तो वो लोग क्या करेंगे। तापसी डरते हुए फिर से बोली, आप मुझे अपने पास नहीं रख सकते, मेरे दादा पुलिस में है, वो आपको जेल में डाल देंगे। अफान पीछे पलट तापसी को घूरने लगा। उसे इस वक्त तापसी या तो मासूम लग रही थी या सबसे बड़ी बेवकूफ जो एसएम को धमकी देने की गलती कर रही है। अफान मन ही मन गोद से प्रे कर बोला, ओह गोद, ये लड़की मासूम है या बेवकूफ जो भी हो, लेकिन इसने बोस को गुस्सा दिलाने की इसने सबसे बड़ी गलती की है। अब पता नहीं ये जल्लाद इस मासूम को कैसी मौत देगा। समय तापसी के मुंह से पुलिस की धमकी, वो भी इतनी क्यूट तरीके से, सुन उसे गुस्से की जगह हंसी आ गई। अफान को लगा समय गुस्से में तापसी को जान से मार देगा, लेकिन समय हंसता देख वो सोकद हो गया। अफान ने समय को कहीं बार शयानी हंसी हंसते स्माइल करते देखा है, लेकिन इस तरह नॉर्मल हंसते आज पहली बार देख रहा है। समय ने तापसी के क्यूट चबी गालों पर उंगली फिरा के बोला, क्यों टिपाए? तापसी उसके मुंह से कह टिपाए सुन, मुंह बना के बोली, आप हमें इस नाम से नहीं बुला सकते। समय उसकी बात सुन क्यू में क्यू, तुम्हें क्यों टिपाए नहीं बुला सकता। तापसी कयू की ये नाम सिर्फ मेरे दादा लेते हैं, उनके अलावा मुझे क्यूटिपाए कोई नहीं बुलाता। समय उसकी बात पर उसे नीचे से ऊपर देख बोला, तुम कितने साल की हो? तापसी अपना निचला होठ बाहर निकाल क्यूटसी शिकायत करते हुए बोली, आपको पता नहीं है क्या, लड़कियों को उनकी एज और लड़कों उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, ये तो मैं हूँ, वरना कोई और होती तो आपको चंपल से मारती, समझे?
समय उसकी नादानी भरी बातें सुन मन ही मन बोला, ये लड़की इतनी बड़ी कैसे हो गई, अभी भी दिमाग से बिल्कुल बच्ची है। तापसी जो थोड़ी देर पहले समय से इतनी डरी हुई थी कि उसके गले से वद नहीं निकल रहे थे और अब वो ऐसे बात कर रही है जैसे समय उसका दोस्त हो जिसे वो लड़की ओ के बारे में समझा रही हो। तापसी समय को और भी बहुत कुछ बोल रही थी, जैसे कि लड़की उसे नंबर नहीं मांगना चाहिए, उनको कभी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए और भी बहुत कुछ। तापसी अपना निचला होंठ बाहर निकाल क्यूटसी शिकायत करते हुए बोली, आपको पता नहीं है क्या, लड़कियों को उनकी एज और लड़कों उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। चलो अच्छी बात है ये तो मैं हूँ, वरना कोई और होती तो आपको चंपल से मारती। समझे समय उसकी नादानी भरी बातें सुन मन ही मन बोला, ये लड़की इतनी बड़ी कैसे हो गई, अभी भी दिमाग से बिल्कुल बच्ची है। तापसी जो थोड़ी देर पहले समय से इतनी डरी हुई थी कि उसके गले से वद नहीं निकल रहे थे और अब वो ऐसे बात कर रही है जैसे समय उसका दोस्त हो जिसे वो लड़की ओ के बारे में समझा रही हो। तापसी समय को और भी बहुत कुछ बोल रही थी, जैसे कि लड़की उसे नंबर नहीं मांगना चाहिए, उनको कभी हाथ नहीं पकड़ना चाहिए और भी बहुत कुछ। समय सिर्फ उसे बोलते हुए सुन रहा था। अफान ये देख सदमे में ही चला गया। उसके बोस जो अपने अलावा किसी की सुनते नहीं है, वो एक लड़की की बातें इतनी देर से सुन रहे हैं। थोड़ी देर में उनकी एक बड़े से विला के बाहर आके रुकी। विला के मेन गेट पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी, जिसे देख तापसी अपनी हेजल आंखें बरी बरी कर गेट को देख रही थी। गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में एक लोगो बना हुआ था, एसएम का लोगो, उसके नीचे डाक हेल लिखा हुआ था। तापसी इतने बड़े विला का नाम पर मुंह बना लिया। समय जो कि कब से उसके चेहरे बदलते एक प्रयोजन देख रहा था, तापसी से फिर से मुंह बनाते देख टेरी स्माइल कर बोला, क्या हुआ बच्ची को नाम पसंद नहीं आया? तापसी अच्छी बच्ची की तरह सर नामे हिला के बोली, लोगों तो आपके नाम से बना है वो तो समझ आता है, लेकिन ये नाम डाक हेल ये गंदा है। समय उसकी बात पर हल्के से हंसते हुए मन में बोला, छोटी बच्ची अब तुम इसी हेल में अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली हो, इस हेल को तुम्हें अपना ने के अलावा दूसरा कोई वो पसंद नहीं है। कार रुकते ही अफान पहले जाके समय के साइड का दरवाजा खोला। समय एरोगेंट स्टाइल से कार से बाहर आया। उसने अपना हाथ आगे कर तापसी को बाहर आने को कहा। तापसी ने एक नजर समय को देखा, फिर उसके हाथ को उसे समय से फिर से डर लगने लगा। उसने कैपते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। समय उसका छोटा सा हाथ पकड़ कार से बाहर लाके बाहर खड़े आदमी को देख ओदर देने के अंदाज में बोला, आज इस हेल में मेरी मर्जी के बिना कोई भी कदम नहीं रखेगा, अफान सोयब को बुला लो। अफान सोयब का नाम सुन हैरान होके बोस, सोयब भाई को बुलाना, कुछ काम हो तो मुझे बताओ मैं कर दूंगा। समय रुड वॉइस में, मैंने जितना कहा उतना करो वरना अंजाम अच्छे से पता है। समय तापसी का हाथ खींचते हुए उसे मेंशन में ले गया। तापसी उसके खींचने से ठीक से चल तक नहीं पा रही थी, वो बार बार उसे अपना हाथ चुराने की कोशिश करने लगी। समय उसे खींच के सीधा एक कमरे के पास ले गया जो पूरा ब्लैक था। उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। कमरे को देख तापसी की आंखें फटी की फटी रह गई, वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगी। तापसी घबराई हुई आवाज में, ये क्या है? समय बिना एक्सप्रेशन उसे देख के उसके गालों पर उंगली फिरा के बोला, मेरी उड़ती चिड़िया का पिंजरा। तापसी उसकी बात सुन आंखें फारे उसे देखने लगी। उसने अपना हाथ फिर से चुराने की कोशिश करने लगी। उसने हाथ खींचते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहोगी, तुम गंदे हो, मैं कोई चिड़िया नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, मैं इस जेल में नहीं रहोगी, प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे, माँ बाबा के पास जाना है। तापसी हाथ चुराने की जितनी कोशिश करती समय की पकड़ उतनी ही कसती जाती। समय के पीछे अफान आते हुए बोला, बोस सोयब भाई कल तक यहाँ आ जाएंगे। समय कमरे को देख अफान से बोला, लोक खोलो। अफान सर झुका के लोक खोल दिया। समय तापसी को अंदर की ओर धकेल दिया, लोक बंद। अफान ने लोक बंद कर दिया। समय के धक्का देने से तापसी सीधे जाके जमीन पर गिरी। उसके हाथों में पैरों में भी हल्की हल्की चोट लग गई।
समय उसे बिना देखे वहां से चला गया। तापसी इस वक्त तीन बाजू दीवारें और सामने सलाफों से बने कमरे में कैद हो चुकी थी, जैसे एक जेल हो। तापसी कमरे की चारों ओर नजर घुमा के डरते हुए चिल्लाने लगी। वो खड़ी होके सलाखों के पास आके जोर जोर से चिल्ला के लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे निकालो, कोई तो मुझे निकालो, प्लीज मुझे निकालो, दादा बचाओ, दादा कहा हो आप, आपकी क्यूटी पाए यहाँ कैद हो चुकी है, बचा लो दादा। समय वहां से निकल ऊपर थर्ड फ्लोर पर चला गया जहां उसका कमरा था। अफान को तापसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी, उसे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जानता समय के आगे कुछ भी करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। दूसरी ओर मयंक राघव ने सिद्धार्थ को देसे तेसे समझा के मल्होत्रा मेंशन ले आए। सिद्धार्थ अभी भी तापसी का ही नाम ले रहा था, बार बार तापसी के बारे में पूछ रहा था। वो कहा है कैसी है ब्रो, ने उसे कुछ किया तो नहीं होगा, वो ठीक तो होगी ब्रो, उसे मार तो नहीं डालेंगे, ऐसे कही सवाल सिद्धार्थ राघव से पूछ रहा था। राघव उसकी हालत समझ रहा था, लेकिन उसके पास उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था, ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो समय से बात कर सके। मयंक सिद्धार्थ का हाथ पकड़ उसे गले से लगा के बोला, सिद्धा मेरे यार प्लीज शांत हो जा, मैं समझ सकता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन तू भी हमारी सिचुएशन समझ सकता है, समय सर के आगे हम में से किसी की नहीं चलती, और अब जब हमें पता चला है कि वो कसीनो के किंग है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है तुम्हारे डेड, एक वही है जो समय सर से बात कर सकते हैं। राघव मयंक की बात सुन कहा, हा सिद्धा मयंक सही बोल रहा है, तुम उनसे बात करो, शायद उनकी बात समय सर सुन ले। सिद्धार्थ अपने आंसू पोछे के तुरंत अपने डेड को कॉल लगाया, दो तीन रिंग में सामने से कॉल उठा लिया। सिद्धार्थ बिना हाय हेलो किए, डेड आप कहा हो, उधर से एक आदमी की आवाज आई, क्या बरखुरदार बिना हाय हेलो किए डायरेक्ट कहा हो, अभी तो सगाई में टाइम है, मैं और तुम्हारी मोम रास्ते में ही है, थोड़ी देर में मेंशन पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ डेड सगाई नहीं होगी। सिद्धार्थ बिना हाय हेलो किए डेड आप कहा हो, उधर से एक आदमी की आवाज आई, क्या बरखुरदार बिना हाय हेलो किए डायरेक्ट कहा हो, अभी तो सगाई में टाइम है, मैं और तुम्हारी मोम रास्ते में ही है, थोड़ी देर में मेंशन पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ डेड सगाई नहीं होगी। आदमी गुस्से में वोट, तुम क्या बोल रहे हो सिद्धा, ये कोई बचपना है, जब मन किया सगाई तय करोगे, मन नहीं करेगा तो मना करोगे, मैंने बिना लड़की हैसियत देखे तुम्हारी खुशी के हा बोली थी, मैंने कितनी बार पूछा था कि तुम सच में सीरियस हो या फिर ये भी बाकी लड़कियों की तरह तुम्हारा कोई खिलौना है, लेकिन तब तुम अपने प्यार की कस्में खा रहे थे। मैंने यहाँ बड़े बड़े बिजनेस पॉलिटिशियन, बड़े अधिकारी को बुलाया है, बड़ी से बड़ी मीडिया कंपनी वहाँ मौजूद होगी, आधे से ज्यादा अमेरिका को पता चल चुका है कि आज राजवीर मल्होत्रा के छोटे बेटे की सगाई है, और तुम कह रहे हो सगाई नहीं होगी। राजवीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। राजवीर को अपनी रेप्यूटेशन बहुत प्यार है, अगर कोई उसकी इज्जत पर एक उगली भी उठा दे तो वो उस इंसान को दुनिया से गायब करवा देता है, अपने नाम के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। सिद्धार्थ राजवीर के गुस्से भरी बातें सुन रोते हुए बोला, डेड इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप बिना पूरी बात सुने मुझ पर गुस करना बंद करो, मेरी जान मेरे प्यार को ब्रो अपने साथ ले गए, प्लीज डेड मुझे मेरी तापसी चाहिए ब्रो, उसे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले गए हैं, डेड प्लीज हेल्प भी कुछ भी करके मुझे मेरी तापसी को दिला दो, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। राजवीर ने जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। राजवीर के चेहरे का सारा रंग पल में उड़ गया, उसका गुस्सा भी कहीं गायब हो गया। राजवीर बिना कुछ बोले फोन रख दिया। सिद्धार्थ इस वक्त राघव के गले से लग रो रहा था। राजवीर को इतना सोकद में देख उसके पास बेदी उसकी वाइफ जानवी बोली, क्या हुआ आपको, आप तो अपने लाडले की बेटे
कि शादी से इतना खुश थे, अचानक आपके चेहरे की सारी खुशी कहाँ चली गई। जानवी गाड़ी से बाहर गई हुई थी किसी काम से, इसलिए उसने राजवीर सिद्धार्थ की बातें नहीं सुनी थी। जानवी की आवाज सुन राजवीर सोकत से बाहर आया। उसने बिना जानवी को कोई जवाब दिए तुरंत समय को कॉल लगाया। समय जो इस वक्त बालकनी में खड़ा होके बिना सट के आसमान को देख रहा था, जैसे ही उसका फोन बजा उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने बिना फोन देखे कहा, डेड। समय जेब से फोन निकाल कान पर लगाने की जगह स्पीकर पर कर सिगरेट की कष्ट लेने लगा। राजवीर तेज आवाज में बोला, समय तुमने उस लड़की को। समय राजवीर की पूरी बात सुने बिना, डेड 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 जस्ट के प्योर वॉइस, मुझे बात रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। राजवीर अपनी आवाज शांत कर, समय तुमने अपने छोटे भाई की मंगेतर को अपने साथ क्यों ले गए हो? तुझे पता है अभी उसकी सगाई होने वाली है, फिर भी तुम। समय बीच में राजवीर को रोक के, देख पहली बात सगाई हुई नहीं है और दूसरी बात जबरदस्ती नहीं लाया आपके लाडले ने खुद मुझसे खेल में शत लगाई थी। अगर वो रूलेट जीता तो वो जो बोलेगा मैं उसे दूंगा, और अगर मैं जीता तो वो मुझे देगा। तो सिपन सी बात है, समय मल्होत्रा ने कभी हारना नहीं सिखा, खेल जीत आपके बेटे से मैंने उसकी सबसे कीमती चीज मांग ले ली, सिंपल। राजवीर को इस वक्त अपने छोटे बेटे की बेवकूफी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने फिर से समय को समझाने के लिए बोला, समय बेटा देखो, ये कोई चीज नहीं है जिसे तुम खेल में जीत लोगो बेटा, वो एक लड़की है, जीती जागती इंसान है। देखो समय, में सिद्धार्थ की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम कुछ और मांग लो, तुम उस लड़की के बदले मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन प्लीज। समय समय राजवीर की बात सुन बोला, समीरा। राजवीर नाम सुन स्तब्ध हो गया, उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी, दोनों ओर खामोशी फैल गई। समय थोड़ी चुप्पी के बाद बोला, अगली बार फालतू चीज के लिए कॉल मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। समय ने फोन रख दिया। सेकंड फ्लोर पर तापसी अभी भी चिल्ला रही थी, मदद के लिए आवाज लगा रही थी, उसकी चिखने चिल्लाने की आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। समय थोड़ी देर ऐसे ही खड़े होके आसमान में फैले अंधेरे को देख रहा था, उसकी आंखें गहरी काली हो गई। समय अपनी सिगरेट को पैरों तले क्रस कर कमरे से निकल नीचे की गया, जहां तापसी को कुछ घंटों पहले रखा हुआ था। समय ने नीचे आके जैसे ही तापसी को देखा, उसकी नजरें तापसी के सुंदर चेहरे पर टिक सी गई। सामने दीवार पर बनी छोटी सी खिड़की से चांद की मध्यम रोशनी तापसी के मासूम बेदाग चेहरे को और सुंदर बना रही थी। उस रोशनी में उसका मासूमियत से भरा चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था। तापसी रोते रोते सलाखों के पास ही सो चुकी थी। समय धीरे कदमों से उसके पास जाके सलाखों की दूसरी साइड बैठ गया। उसकी नजरें तापसी के चेहरे पे ही टिकी हुई थी, जो पास से ज्यादा रोने से हल्का लाल दिख रहा था। उसके गालों पर आंसू के निशान बन चुके थे। उसके चेहरे पे आ रहे बालों से उसकी लंबी पलकें बार बार हिल रही थी, जो समय को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। समय को खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो इस वक्त यहाँ आया है। दरअसल समय कब से सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार रेह रेह के उसे तापसी याद आ रही थी। उसे मॉल में किस करना, उसको छूना, उसकी कार में बातें करना समय को अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। समय धीरे से अपने हाथ से तापसी के चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे कर देसे हाथ वापिस लेने लगा। उसके हाथ की उगली गलती से उसके होठों से छू गई। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।